अजीज तालिबात और औरजस नाजरीन आज का ये तलीमी प्रोग्राम बी ए साल अव्ल इस्लामियात से मुतक़ है इससे पहले हमने बुनियादी रुकन नमाज पर बात की है और आज का है रोज़ा रोज़े के फ़वाद इस मौजुअ पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर फ़हीम अख्तर साहब लेक्चरार इस्लामिक स्टडीज़ मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी तशीफ फर्मा हैं और साथ में मुजस डॉक्टर मुश्ताक अहमद साहब डिप्टी डायरेक्टर सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर यूनानी मेडिसिन मौजूद हैं हजरत आप दोनों का दिल ख़ैर मकदम है अजीज़ तलबा पिछली मरतबा हमने बात की थी नमाज से मुतल आज का रोज़े से मुतल है रोजे से रोज़े के क्या फ़वाद है और रोज़ा कैसे रखा जाता है हम जानेंगे डॉक्टर फ़हीम अख्तर साहब से अजीज़ तलबा वालबात रोज़ा जिसको फास्टिंग कहते हैं इसका अरबी में नाम है सोम और सोम का लगवी माना होता है रुक जाना रोज़े में दिन भर रोज़ा रखने वाला कोई चीज़ खाता नहीं है कोई भी चीज़ पीने से रुका रहता है और मियाँ बीवी के दरमियान का जो जिनसी ताल्लुक होता है उससे भी दूर रहा जाता है दिन भर इन बातों से दूर रहने की वजह से इसका नाम रोज़ा है ये रोज़ा एक महीना पूरे महीने भर रखा जाता है जो रमज़ान का महीना कहलाता है और वो इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से नवा महीना होता है मैं आपको बताऊं कि रोज़ा रखने का तरीक़ा क्या होता है रात के आखिरी हिस्से में सुबह होने से पहले पहले उठते हैं और उस वक्त कुछ थोड़ा सा खा या पी लेते हैं इसको शहरी कहते हैं इस्लाम के अंदर रोज़ा रखने वालों के लिए इस शहरी के खाने का खास हुक्म दिया गया है और इसकी बड़ी ताक़द की गई है इसको बाबरकत खाना बताया गया है शहरी खाने के बाद सुबह होने से सुबह सादिक होने से पहले पहले हर चीज़ खाना और पीना बंद कर दिया जाता है और रोज़े का आगाज़ हो जाता है फिर दिन भर हर इंसान अपनी ज़िम्मेदारी और अपने कामों में मशगूल रहता है लेकिन उसके साथ साथ इस बात की ज़रूरत होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने अवकात को कुरान करीम की तिलावत करने में अल्लाह की याद उसका जिक्र करने में दुआ करने में और अल्लाह से अपने लिए माफ़ी मांगने में वक्त को गुजारा जाए फिर जब शाम होती है और सूरज डूबता है तो सूरज डूबने के साथ ही फ़ौर ही कुछ खाते हैं पानी पीते हैं या जो कुछ अल्लाह ने दिया है उसको खाते और पीते हैं और इस तरह रोज़ा को ख़त्म कर देते हैं इस रोज़ा ख़त्म करने का नाम है इफ़ार ये एक रोज़ा मुकम्मल हो गया और उसके बाद से लेकर फिर रात भर सुबह होने से पहले पहले तक इंसान को हर तरह की चीज़ खाने और पीने की इजाज़त रहती है तो रोज़े के अंदर जिस तरह खाने और पीने और जिनसी आमाल से दूर रहने की, की ताकीद की गई है और हुक्म दिया गया है ऐसे यह भी कहा गया है कि रोज़ा रखने वाला अपनी ज़बान को और अपनी निगाह को भी गलत बातों और गुनाहों से दूर रखे कोई गलत बात ना कहे कोई गलत चीज़ ना देखे किसी गलत काम में मशगूल ना हो इसीलिए अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने रोज़े के दरमियान झूठ बोलना और गलत बात बोलना और गलत काम करना ना छोड़ा तो फिर अल्लाह को इससे कोई मतलब नहीं कि वो भूखा और प्यासा रहे ये है रोज़ा और ये है रोज़े का तारुफ डॉक्टर मुश्ताक साहब बताइए गए रोज़ा एक इबादत है इस रोज़े का सेहत से क्या ताल्लुक़ है क्या रोज़ा इंसान की बुनियादी ज़रूरत बन सकता है देखिए रोज़ा इस्लाम में तो बेसिकली एक इबादत है जैसे हमारे दोस्त ने भी कहा ये रोज़े का मफहूम तो कुरान हकीम ने साफ साफ कहा कि रोज़ा इंसान के लिए तकवा पैदा करने के लिए उसके लिए जी इससे पहले कौमों को भी था और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद आपकी उम्मतियों को भी ये बेसिकली मकसद इसका इंसान में तखबा पैदा हो जाए अब तकवा के बहुत सारे लोग मीनिंग लेते हैं जैसे खुदा का खौफ दिल में पैदा हो जाए खुदा की पहचान पैदा हो जाए खुदा का खौफ पैदा हो जाए खुदा की पहचान पैदा हो जाए समझ पैदा हो जाए ये एहसास हो जाए कि खुदा ही ताकत वाला है ये एहसास हो जाए तो बेसिकली ये मकसद है अब जो चीज़ अल्लाह ने इंसान के लिए इतनी ज़रूरी कर दी हो ये तो हो नहीं सकता कि वो उसका कोई फ़ायदा न हो ये ये मतलब इंसानी फितरी तकाज़ों के मुगायर है अगर इंसान अल्लाह ने इंसान के लिए कोई चीज़ इतनी ज़रूरी कर दी हो और फिर उसमें इंसान के लिए फ़ायदे ना हो तो ये मुमकिन ही नहीं इसमें फायदे है इसमें फ़ायदे हैं अच्छा क्योंकि ये एक अब कंडीशन है भूख भूखा भुक, प्या, और प्यासा रहना इसलिए इसलिए इसमें अल्लाह और अल्लाह के नबी ने मतलब पहले एक शर्त ये रखी है कि जो जो जिन जिन हालात में रोज़ा रखने से नुकसान होता हो सकता हो उनको पहले एग्जिमशन दे दिया है कि उनको रोज़ा रखने की कोई ज़रूरत नहीं है यानी इससे नुकसान के पहलू को पहले अल्लाह के नबी ने ख़त्म कर दिया इससे नुकसान होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता इससे फ़ायदा ही होगा अब इससे तबी फ़ायदे क्या हो सकते हैं ये एक अहम मौजू है तबी फायदे ये हो सकते रोज़ा एक तो रोज़ा और आम फास्टिंग में एक खासा डिफरेंस ये है कि ये कोई क्रैश फास्टिंग नहीं है सिर्फ़ वज़न घटाने के लिए या सिर्फ़ जिसम को लागर करने के लिए या जिसम को फिट बनाने के लिए नहीं है ये ये चूँकि इसका ताल्लुक सीधे सीधे अल्लाह शानों से है खुदा का खौफ पैदा करने के लिए, से इसलिए सेंट्रल थीम इस रोज़ेदार को हमेशा ये रहता है कि मैं इस अमल में अपने रब को राज़ी कर रहा हूँ तो इसलिए उसको रोज़े की हालत में जो भूख रखती है तो उसको खाने की फिक्र नहीं होती प्यास लगती है तो उसको प्यास की फिक्र नहीं होती वो रोज़ा तोड़ने की कोशिश नहीं करता वो पानी पीने की कोशिश नहीं करना न छुप के करता न साम करता इसलिए कि उसका जो सेंट्रल थीम रहता है ना वो हमेशा उससे जुड़ा रहता उसे क्या होता उसके उसकी साइकोलॉजिकल मतलब फिटमेंट होता है उस इंसान का वो नफ्सियाती तौर मतलब वो डिपेंडेंट इन चीज़ों पर नहीं रहता जी तो उस डिपेंडेंस की वजह से जो है ना जो इंसान को नुकसान होते हैं उनसे पाक हो जाता जैसा जैसे एक आदमी रोज़ा रख रहा तो एक ख़ास बात इसमें ये इसमें कोई क्रैश फूड न लेने का या कोई मखसूस खाना न खाने का ही नहीं है इसमें वो तमाम चार चीज़ें जो हलाल हैं जो नॉर्मल हालात में खाई जाती हैं वो तमाम तर चीज़ें इन हालात में नहीं खानी है और जब रोज़ा टूटता है तो वो तमाम तर चीज़ें खाने की इजाज़त है लेकिन वसल्लम के इफ्तार के वक्त या शहरी के वक्त मतलब ओवर ईटिंग की इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है इसलिए इस रोज़े के जो असरात खाना न खाने के होते हैं वो कायम रहते हैं लेकिन ओवर ईटिंग की कोई गुंजाइश इस्लाम में नहीं है ये ख़ास बात है और ज, जो लोग रोज़ा रखते हैं उसके जैसा आ, फैट मेटाबॉलिज्म जो है जिसम में जो फैट्स की ज़्यादती होती है आज के दुनिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक ज़माना ये था कि डॉक्टर्स के पास मरीज जाते थे उन्हें कहते था खाना खाइए इसलिए कि माल न्यूट नूट्रि, मतलब न्यूट्रिशन उनको नहीं मिलता था आज तो एक तबका हमारे समाज में है जिनको इतना खाने को मिलता है कि उनको पता ही नहीं कि हम क्या क्या खा रहे हैं वो सब कुछ खा सकते इस उस वजह से क्या है कि जिसम में फैट्स की ज़्यादाती हो रही है उन फैट्स की ज़्यादा की वजह से मतलब दिल की बीमारियां दिमाग की बीमारियां फालज हार्ट अटैक्स बहुत आम हो रहे हैं तो इस ये रोज़े में देखा गया दुनिया में स्टडीज़ हुई हैं कि इस मुबारक में रोज़ा रखने से क्या था कि लिपिड्स घट जाते हैं कोलेस्ट्रॉल घट जाता है बैड कोलेस्ट्रॉल जो जिस, जिसम को नुकसान पहुँचाने के लिए होता है वो वो घट जाता ब्लड शुगर लेवल रेगुलेट होते हैं शुगर घट जाता है जिसम में और और डिटॉक्सिफिकेशन होता होता यानी जो टॉक्सिन में बनते हैं जी, जी. वो उनका फास्टिंग के दरमियान डिटॉक्सिफिकेशन होता जो गैस्ट्रो ट्रैक होता है जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ये रेगुलेट होता है और एब्जॉर्बशन जो फूड का एब्जॉपशन फूड का एसिमिलेशन जो नॉर्मल हालात में नहीं होता वो बेहतर होता है तो ये इससे इसके बहुत फ़ायदे हैं डायबिटीज़ के मरीजों को जैसे मॉडरेट डायबिटीज़ है अगर मरीजों को तो अगर उनको फास्टिंग कराया जाए तो उनको डायबिटीज़ में फ़ायदा होता नुकसान नहीं होता सिर्फ उन मरीज़ों को जिनको बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ है जो इंसुलिन पर डिपेंडेंट है उनको फास्टिंग करने से नुकसान होता है वो पहले ही शरत में ऐसे लोग जिनको नुकसान है उनको फास्टिंग नहीं कराई जाती बल्कि उनको फास्ट रखना गुना है इस्लाम में ज़बर अपने आप को मतलब जबर नहीं कर सकते। जबर नहीं कर सकते और अपने आप को तकलीफ नहीं पहुंचा सकते तो उनके लिए गुना है तो डायबिटीज के मरीजों को फा, फायदेमंद है मतलब ये हाइपरसिटी के मरीजों को फायदेमंद है डूड अल्सर के मरीजों को मतलब फास्टिंग फायदेमंद है ये 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 दुनिया में साइंटिफिक स्टडीज करने के बाद ये साबित हुई बात और साइकोलॉजिकल मरीज़ों को नफस्याती मरी, जो म, म, मरीज, मरीज हैं, हैं। उनको फ़ायदा मंद है इवन रमज़ानों के दौरान एपिलेप्टिक फिट्स लोगों को कम आए हैं रमज़ानों के दौरान इंसानिटी की जिन में मरीजों में है उनके इंसानिटी के एपिसोड्स कम आए हैं रमज़ानों के दौरान इससे फायदे हुए हैं जी, जी। आप बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब अब फाहिम अख्तर साहब से मैं दरख्वा करूँगा कि रोज़ा की अहमियत पर रोशनी डालें और इसकी क्या फजीलत बताई गई है बताइएगा देखिए रोज़ा इस्लाम का एक बुनियादी रुकन है और जिस तरह इस्लाम के इमारत कुछ पिलर्स पर कुछ सतूनों पर कायम है जिनमें और अरकान है रोज़ा भी एक रुकन है तो इस्लाम की इमारत ही इस पर कायम है इससे रोज़े की अहमियत समझ में आती है रोज़े की अहमियत ही है जिसकी वजह से कुरान में ये बताया गया है कि रोज़े को न सिर्फ़ इस कौम और इन इस्लाम के मानने वालों पर फ़र्ज़ किया गया है बल्कि इससे पहले जो कौमें दुनिया में आई जो मजाहब आए उन पर भी अल्लाह ने कुरान में बताया है कि हमने रोज़े उन पर भी फ़र्ज़ किए थे और हम देखते हैं कि आज की दुनिया में भी दुनिया में जो मजाहिब पाए जाते हैं चाहे क्रिस्चेनिटी हो या यहूदियत मज़हब के मानने वाले लोग हों या हिंदू मज़हब के मानने वाले लोग हों मुख्तलिफ मजाब के मानने वालों के यहाँ किसी न किसी शक्ल में रोज़े का तस्वुर पाया जाता है और रोज़ा रखते हैं तो रोज़ा एक अहम इबादत है इस्लाम में इसकी इतनी ज़्यादा अहमियत है कि एक हदीत से इसका अंदाज़ा होगा इसकी अहमियत का अल्लाह के रसूल सल वम ने बताया है कि अल्लाह ताला ये कहता है कि हर नेकी और हर नेक काम का बदला दस गुना से लेकर सात सौ गुना तक अल्लाह ताला देता है अल्लाह की मर्जी पर है कितना देगा लेकिन रोज़ा एक इतना अहम काम है इतनी अहम इबादत है कि अल्लाह ताला ये कहता है कि उसका बदला मैं खुद हूँ और मैं ख़ुद उसका बदला दूँगा और हदीस में ये बात कही गई है कि रोज़े का जो महीना है जो रमज़ान का महीना कहलाता है इस रमज़ान के महीने का जब आगाज़ होता है तो अल्लाह के हुक्म से जन्नत के तमाम दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और जो शयातीन हैं बदमाश किस्म के उनको पाबा जंजीर कर दिया जाता है उनको कैद कर दिया जाता है रोज़ा रखने वालों के बारे में ये भी कहा गया है हदीस शरीफ़ के अंदर कि जन्नत के जो दरवाज़े हैं आठ दरवाज़े हैं उन आठ दरवाज़ों में से एक दरवाज़े का नाम है रैन और उस दरवाज़े से सिर्फ़ वो लोग दाखिल होंगे जो रोज़ा रखने वाले हैं और रमज़ान के अंदर ही जिस महीने में रोज़ा रखा जाता है एक रात आती है जिसको शब कदर कहते हैं उस रात की इबादत हज़ार महीनों से अफजल होती है तो उस वो रात भी रोज़ा रखने वालों को मैसर होती है और एक बात यह भी है जिससे इसकी अहमियत मालूम होती है कि बहुत सारे गुनाहों के कफ़ारे के लिए रोज़ा रखने का हुक्म दिया गया है इससे ये बात मालूम होती है कि रोज़े के अंदर गुनाहों के असर को ख़त्म करने का की तासीर पाई जाती है तो अगर हम रोज़ा रखते हैं तो अपने गुनाहों को हम दूर करते हैं और हम अल्लाह के नज़दीक वो मकाम हासिल करेंगे जिसका तस्करा इन हदीसों में किया गया है डॉक्टर साहब आप बताइएगा कि आम जो फास्टिंग का रुझान है या डाइटिंग का रुझान है या स्लिमिंग के लिए रोज़े रखते हैं लोग और रमज़ान शरीफ के जो रोज़े रखे जाते हैं इनमें किस तरह का फ़र्क होता है इनके क्या असरा मुरतब होते हैं जिसम पर रमज़ान मुबारक में जो रोज़े रखे जाते हैं इसमें कोई मखसूस खाना नहीं रोका जाता इसमें टोटल फास्टिंग है जी यानी पानी भी नहीं और खाने की कोई कस्म भी खाने के नहीं है और उसमें जो वेट तो घटता है जो जो आम कस्म की फास्टिंग में उसमें वेट तो जरूर घटता है घटता है लेकिन उसमें टोटल जो बॉडी को जो फ़ायदा पहुंचना चाहिए वो नहीं होता तो रमजान मुबारक फास्टिंग में एक तो कोई शेड्यूल नहीं है मखसूस मक, खानों के रोकने का नंबर वन नंबर दो माल न्यूट्रिशन नहीं होता इसलिए कि जो खाने उसको रोके जाते हैं दिन भर वही खाने खाने के बाद में इजाजत है एडुकेट क्वांटिटी में वो खाने का तो माल न्यूट्रिशन इंसान को नहीं होता तो माल न्यूट्रिशन के जो नुकसान हो सकते हैं वो नहीं होता दूसरी बात है इस जो इसमें जो है ना डाइजेस्टिव सिस्टम को एक मखसूस वक्त तक एक खासे वक्त तक रेस्ट मिलता है तो वो डायजस्ट रिजनेट होता है तो ये डाइज रिज्यूनेशन की वजह से होता है जो एब्जॉर्पन बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कुछ खाते हैं लेकिन एब्जॉर्प नहीं होता और मेडिकल साइंस में एक माल एब्जॉर्पन सिंड्रोम कहलाता लोग खाते हैं वो प्रॉपरली एजाम नहीं होता वो हमेशा बीमार रहते हैं और हमेशा वो कमज़ोर रहते हैं तो यहाँ पर कोई माल वो माल एब, एब्जॉर्पन सिंड्रोम जैसी बीमारी को भी फ़ायदा होता है इस वजह से कि जब ये आ, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब ओवरहाल होता है तो एब्जॉर्बशन बेटर होता है एसिमिलेशन बेटर होता है तो अंडरवेट लोगों को भी रोज़ा रखने से फ़ायदा होता है। डॉक्टर फहीम अख्तर साहब बताइएगा रोज़ा के अहकाम क्या हैं मुख्तसर से देखिए रोज़ा हर मुसलमान पर जो खा वो मर्द हो या औरत अगर वह आक़द और बालग है तो उसके ऊपर फ़र्ज़ किया गया है और ये पूरे महीने का रोज़ा हर ऐसे मुसलमान आकिल बालिग के ऊपर मर्द औरत दोनों के ऊपर फ़र्ज़ है और रखना ज़रूरी है जो नाबालिग बच्चे और बच्चियाँ हैं उनको तरबियत के लिए रोज़ा रखवाया जा सकता है और तरबियत की खातिर रखते हैं रोज़ा उन पर फ़र्ज नहीं होता अगर कोई शख्स सफ़र के अंदर है या कोई बीमार है तो बीमारी के दिनों में और सफ़र के दिनों में वो रोज़े छोड़ सकता है लेकिन उन छूटे हुए रोज़ों की बाद में क़़ा करनी ज़रूरी होगी औरतें जो मखसूस हालत में होती हैं जो हैज़ की हालत कहलाती है या नफाज की बच्चे की विलादत के बाद के दिन होते हैं तो हज़ और नफास् के दिनों में औरतों के लिए रोज़ा रखना मना है अलबत उन छूटे हुए रोज़ों की वो बाद में क़़ा करेंगी अगर कोई शख्स बहुत ज़यीफ़ है या बहुत ज़्यादा बीमार है और इस काबिल नहीं रह गया है कि वो रोज़ा रख सके तो ऐसे लोगों के लिए ये छूट दी गई है इस्लाम में कि वो रोज़ा न रख कर हर रोज़े के बदले में एक फ़दिया अदा करें और एक फदिया यह है एक रोज़े के बदले में एक फ़दिया एक फदिया यह है कि दो एक मस्किन को दो वक्त पेट भर कर खाना खिलाएँ तो इससे हर रोज़े के बदले में फ़दिया अदा होता रहेगा रोज़े के सिलसिले में एक अहम हुक्म यह है कि अगर कोई शख्स भूल कर रोज़े में खा या पी लेता है तो इससे रोज़ा नहीं टूटता है यह अल्लाह की तरफ़ से एक सहूलत मिलती है उसमें बस ये कहा गया है कि जैसे ही याद आ जाए फ़ौरन खाना या पीना छोड़ देना चाहिए लेकिन अगर कोई शख्स जान बूझ कर रमजान के रोज़े के दरमियान अपने रोज़े को तोड़ देता है खाकर पी कर या किसी जिनसी अमल के जरिए तो ये बहुत बड़ा गुना है एक रोज़ा तोड़ने के बदले में कफ़ारा अदा करना पड़ता है और एक रोज़े के तोड़ने का कफ़ारा ये है कि दो महीने तक यानी साठ दिन मुसलसल रोज़े रखने होंगे या साठ मिसकीनों को दो वक्त पेट भर के खाना खिलाना होगा तो ये तो रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़ों के अहकाम हुए रोज़े दरअसल तीन किस्म के होते हैं एक ये फ़र्ज़ रोज़ा है जो रमज़ान में रखे जाते हैं दूसरा रोज़ा वाजिब कहलाता है अगर किसी शख्स ने कोई नज़र मान रखी है कि हमारा फ़लां काम हो जाएगा तो हम रोज़ा रखेंगे तो ये रोज़ा वाजिब होता है और जब नज़र मानी है तब रोज़ा रखेंगे ये रोज़ा वाजिब हुआ दूसरी किस्म हो गई और रोज़े की एक तीसरी किस्म नफिल है जो हमारी मर्जी और इख्तियार के ऊपर है जब चाहें रोज़ा रखें कुछ मशहूर किस्म के नफिल रोज़े ये हैं जिनमें से एक है आशूरा का रोज़ा यानी दस मुहर्रम का रोज़ा उससे पहले एक दिन नौ तारीख़ या ग्यारह तारीख को मिला कर ये रोज़ा रखते हैं ऐसी आरफा का रोज़ा बकर से एक दिन पहले नौ जिलहिज़ा का रोज़ा नफिल रोज़ा है वह बहुत अहम रोज़ा है ऐसी पंद्रह शाबान का रोज़ा है तो ये कुछ रोज़े नफिल रोज़े हैं इसके अलावा भी नफिल रोज़े हैं ये रोज़े रख कर हम नफिल रोज़े रख सकते हैं इस तरह रोज़ों के ये तीन कस्में होती हैं और एक बात और यहाँ पर रोज़े के अहकाम में मालूम रहनी चाहिए कि साल में पाँच दिन ऐसे हैं जिनमें रोज़ा रखना मना है रोज़ा नहीं रख सकते एक ईद का दिन रमज़ान ख़त्म होने के बाद जो ईद ईदालफ़ित्र आती है उस दिन रोज़ा रखना हराम है और दूसरे बकर के मौके पर दस दिलजा से लेकर दस ग्यारह बारह और तेरह चार दिन ये बकरीद के चार दिन होते हैं इनको अयाम तशरीक कहते हैं इन चार दिनों में रोज़ा रखना हराम है इस तरह साल के ये पाँच दिन अल्लाह की तरफ से खाने और पीने के दिन दिए गए हैं इसलिए इनमें रोज़ा रखने की ममाना है जी डॉक्टर साहब ये बताइए आम रुझान पाया जाता है कि रोज़ा रहने से वेट लॉस होता है वेट घटता है ये कहाँ तक मुफीद है और वो लोग जो कम वजन वाले होते हैं उनके लिए कहाँ तक रोज़ा मुफीद होता है वेट गेनिंग के लिए देखिए ये तो ये तो सीधे से समझ में आता है कि जब आदमी खाए पिएगा नहीं तो वेट घटेगा ये तो सही है लेकिन जो लोग चूँकि रमज़ान का रोजाना ये तो इरेस्पेक्टिव ऑफ़ वेट इंसान के वज़न के का इसका तो लगने रोज सबको फ़र्ज़ है सिवाय इसके कि जिसको इससे नुकसान का खतरा हो तो जो कम वज़न वाले हैं कम वज़न की भी बहुत सारे कुछ लोग तो इनबिल्ड होते हैं कम वज़न के कुछ लोग ऐसे होते तो जिनका वज़न कम होता है इसलिए कि वो माल न्यूट्रिशन होता उनका न्यूट्रिशन सही सही नहीं होता इसलिए उनकी ग्रोथ सही नहीं होती है तो ऐसे लोग ये देखा गया है कि जो हमारा निज़ाम हज़म है इस निज़ाम हज़म को अगर एक ख़ास वक्त के लिए आराम दिया जाए तो इसमें क्या है कि जितने भी मतलब सभी चीज़ें जिसम में पैदा हुई होती हैं टॉक्सिन जिसको बोलते हैं वो सब डिटॉक्सिफाई होते हैं फास्टिंग के दौरान तो उस डिटॉक्सिफिकेशन की वजह से कि उन्होंने डाइजेस्टिव सिस्टम रेस्पॉन्ड करता है फूड इंटेक को तो जब इंसान खा लेता है तो बेहतर तरीके से वो हज़म हो जाता है वो एब्ज़ॉर्ब हो जाता है और एसिमलेट हो जाता तो वो न्यूट्रिशन जो इसको अदरवाइज़ नहीं मिल रही थी इस दुबले या लागर आदमी को वो अब इसको रोज़े की बदौलत मिलना शुरू हो जाएगी तो नेचुरली रोज़ा इसके लिए फ़ायदेमंद है बल्कि उससे ज़्यादा फ़ायदेमंद है जो गैर लागर इंसान को फ़ायदा पहुँचाता है उससे ज़्यादा फ़ायदेमंद इसको हो सकता है जी डॉक्टर साहब बहुत खूब बात आपने बताई डॉक्टर साहब डॉक्टर फहीम अख्तर साहब रोज़ा तकवा हासिल करने के लिए रखा जाता है और इसके क्या फ़वाद जो इंसानी ज़िंदगी को मिलते हैं या एक इंसान को मिलते हैं ये, ये बताइए देखिए आपने सही कहा रोज़े का जो असल मकसद है वो ज़ब्त नफ्स अपने आप पर कंट्रोल और काबू पाने की क़ुत पैदा करने का मकसद है जिसको कुरान की अलाह में तकवा कहा गया है तो रोज़ा रखने का असल फ़ायदा तो ये होता है कि इंसान अपने आप परू पाने की तरबियत हासिल करता है तकवे की सलाहियत पैदा करता है और इसकी वजह से उसको तीन चीज़ों पर काबू पाने की मश पैदा हो जाती है एक ज़बान के ऊपर दूसरे पेट के ऊपर और तीसरे नफसानी ख्वाहिशा के ऊपर हम अगर गौर करें तो समाज में जो बुराइयाँ आती हैं वो इन तीन चीज़ों ही की वजह से आती हैं या तो इंसान ज़बान का गलत इस्तेमाल करता है या अपने पेट को भरने के लिए वो हर सही और गलत रास्ता अपनाने लगता है या जिनसी ख्वाहिशा पूरा करने के लिए गलत रास्ते अपनाता है तो इन तीनों पर कंट्रोल की तरबियत रोज़े के जरिए हासिल होती है इसकी वजह से समाज में एक अच्छाई और ख़ूबी पैदा होती है इसके अलावा दो फ़ायदे और भी रोज़े से हासिल होते हैं जिनका मैं तस्करा करना चाहूँगा एक तो ये है कि रोज़े के, के दरमियान इंसान के पास हर तरह की चीज़ें खाने पीने की मौजूद होती हैं और वो तन्हाई में भी होता है भूख मौजूद है प्यास लगी हुई है खाने और पीने की चीज़ें रखी हुई हैं तन्हा है कोई देखने वाला नहीं है फिर भी वो नहीं खाता है इसके पीछे सिर्फ़ अल्लाह के सामने जवाबदेही का एहसास होता है अल्लाह के हुक्म की तामील का जज्बा होता है ये जब प्रैक्टिस होती है और तरबियत होती है इससे इंसान के अंदर कानून की बालादस्ती और अहकाम पर अमल करने का जज्बा पैदा होता है तरबियत पैदा होती है और इस तरबियत की वजह से इंसान एक ज़िम्मेदार शहरी बनता है और एक और इसका फ़ायदा ये होता है कि रोज़े में इंसान को भूख और प्यास की हालत से गुज़रना पड़ता है उसको खुद एहसास होता है कि भूख किसे कहते हैं प्यास की तड़प क्या चीज़ है जब वो इन तजुर्बा से गुज़रता है तो उसे अंदाज़ा होता है कि उसके वो भाई समाज में रहने वाले वो ग़रीब लोग जो अपनी ग़ुरबत की वजह से खाने और पीने से महरूम हैं वो किस तरह भूख और प्यास की परेशानी में रहते होंगे तो उनकी भूख और प्यास के एहसास में ये रोज़ेदार शरीक होता है इसकी वजह से इनके अंदर जज्बा पैदा होता है कि उनकी मदद करें यही वजह है कि रमज़ान में इस बात का खास तौर पर हुक्म दिया गया है कि खूब से खूब ख़र्च करें इन करें इसकी तरगीब दी गई है और इसीलिए रमज़ान जब ख़त्म होता है तो एक फितरा अदा करने का हुक्म दिया गया है जो फितरा रोज़ा रखने वाले पैसे के तौर पर निकालते हैं और गरीबों की मदद करते हैं तो रोजे से तकबे का फ़ायदा हासिल होता है जवाबदही का एहसास और जिम्मेदाराना शहरी बनने का मिजाज बनता है और ग़रीबों की ग़ुरबत और उनकी भूख और प्यास का एहसास और उसमें शिरकत पैदा होती है डॉक्टर मुश्ताक अहमद साहब से मैं सवाल करता हूँ कि रोज़ा किन किन अमराज के लिए मुफीद होता है और कौन से कौन से अमराज को दूर करने में मददगार साबित होता है देखिए रोज़ा जो जो अमराज में मुफ़ीद होता है जैसे मैंने आपको पहले भी था मतलब मैदे के अमराज में मतलब ये मुफीद है रोज़ा रखना एसिडिटी है उसमें मुफीद है अच्छा और चिगर के अमराज में रोज़ा रखना मुफीद है और जैसे मैं, जै, 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 मैं आप पहले अर्ज़ किया जो माइल्ड डायबिटिक्स हैं नॉ इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक्स जो नहीं होते हैं तो उनमें रोज़ा रखना फ़ायदेमंद होता है और रोज़ा साइकोलॉजिकल अमराज में जो नफ जो 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 जिनकी बुनियाद सिर्फ नफ्सियात होती है उनमें फ़ायदा होता है और इस तरह से बेशतर अमराज हैं उनमें फ़ायदा होता है रोजा हाइपर टेंशन जो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ लोगों को होता है जो ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं उनमें रोज़ा फ़ायदा होता है अच्छा रोज़ा जैसे ब्लड फैट्स बढ़ी हुई हैं उनको घटाने में रोज रोज़ा का ज़बरदस्त फ़ायदा है इस तरह से बहुत सारे अमराज हैं जिसमें रोज़ा फ़ायदा होता अच्छा जो, जो अब जो ऐसे अमराज जिनको रोजे से जिनको जो जो, जो रोके जा सकते हैं अमराज जैसा मैं अर्ज़ किया अगर रेगुलरली हर महीने मतलब इस्लामी तरीके पे खुदा के खौफ के साथ आदमी रोज़ा रखे तो उसको मतलब हार्ट डिजीज से दूरी के इम्कान बहुत ज़्यादा होते हैं कि उस पर अमराज कल्ब ना, आ, ना आने पाए इवन जो स्ट्रोक्स होते हैं इसलिए ये दिल के या हार्ट अटैक जिसको बोलते हैं या जो स्ट्रोक बोलता है ये बुनियादी तौर पे मतलब जो आर्टरीज जो खून सप्लाई करने वाले होते हैं वो वो तंग हो जाती है और तंग इसलिए हो जाती है कि उनमें फ़ैट्स डिपॉज़िट हो जाती है और रोज़ा रखने की वजह से फ़ैट्स का मोबलाइजेशन होता है और जो ब्लड फ़ैट्स ज़्यादा होती है वो घट जाती है और अगर इस तरह मुस्तकल रोज़ा रखे जैसे हमारे अभी साथी ने कहा कि मतलब रमज़ान के रोजे तो फर्ज रोजे फिर वाजिब रोजे फिर नफर रोजे अगर इन तमाम रोज़ों का इस्लामी तरीके से आदमी मतलब इस पर कार हो जाए तो उसको यकीन यकीन के साथ उसको मतलब बहुत सारे जल्द के अमराज उसको नहीं हो, होंगे उसको दिल के अमराज नहीं होंगे उसको स्ट्रोक का मर्ज नहीं होगा और उसको बहुत सारे जगर के अमराज से उसको मतलब फ़ायदा रहेगा उसको नहीं हो पाएंगे अजीज़ तलबा और तलबात आपने रोज़े के फ़ायद से मुतल मुखलफ मालू हासिल की आपने शरीत से शरीत के अहकाम जाने और इसके फ़ फ़ायद भी आपने बखूबी जान लिए हैं आप मजीद मालूम हासिल करना चाहते हों तो बर करम हमारे इन किताबों का मतलब कीजिए किताबें हैं अरकान अरबा मौलाना अबुल हसन नदवी साहब ने लिखी दीनियात मौलाना अबुल आला मोदी और दायरतुलमारफ़ अस््लामिया उर्दू इनके अलावा और भी कई किताबें हैं जिनका आप मुताला कर सकते हैं आज के प्रोग्राम में जिन मेहमानान ने शिरकत की थी डॉक्टर मुश्ताक अहमद साहब और डॉक्टर फ़हीम अख्तर साहब दोनों हजरत का हम शुक्रिया अदा करते हैं तहे दिल से तलबा तालिबात आप अपने सवाल या और मज़ीद मालूम जान जानने के लिए आप हमसे रबता क़ाय कीजिएगा निज़ामत फासिलती तालीम मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी गच्ची बौली हैदराबाद पाँच सिफर 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 तीन दो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही आइंदा फिर किसी प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी तब तक के लिए आदाब